नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बात में। मैं अवंतिका राज चौधरी। आइए जानते हैं झारखंड की 10 अहम खबरें और साथ में कवर स्टोरी में बात करेंगे क्या गिरिडीह से लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं जयराम महतो। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने पत्र भेजा है। इस चिट्ठी को 8वें समन के रूप में देखा जा रहा है। ईडी ने इस पत्र में हेमंत सोरेन से अब तक पूछताछ के लिए नहीं आने का कारण पूछा है। हेमंत सोरेन से इस मामले में जवाब देने के लिए 16 से 20 जनवरी तक का समय दिया गया है। ईडी ने सीएम को 16 से 20 जनवरी तक इस पत्र का जवाब देने के साथ हाजिर होने को कहा है। 16 से 20 जनवरी तक या तो खुद आए या ईडी को उनके पास आना पड़ेगा। आज से रांची में पेरिस गेम्स 2024 के लिए महिला हॉकी का ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट हो रहा है। टूर्नामेंट की टॉप 3 टीमों को जुलाई अगस्त में होने जा रहे पेरिस ओलंपिक का टिकट मिलेगा। पहला मैच जर्मनी और चिली के बीच हुआ। दूसरा मैच दोपहर 2:30 बजे से जापान और चेक रिपब्लिक के बीच हुआ। स्टेडियम में पुलिस बल के जवानों की तैनाती की गई है। स्टेडियम में एंट्री फ्री है। भारतीय टीम का पहला मुकाबला आज अमेरिका के साथ होगा। झारखंड में एक आईपीएस की 20 पन्नों की चिट्ठी ने एक बार राजनीतिक हवा को तेज कर दी है। देवघर के तत्कालीन एसपी और वर्तमान में सीबीआई के एसपी सुभाष चंद्र जाट ने देवघर के डीसी रहे मंजुनाथ भजंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस चिट्ठी में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर जबरन कार्रवाई करने और इसके लिए दबाव बनाने का जिक्र है। सुभाष चंद्र जाट ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि भजंत्री गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाते थे। उन्होंने लोकसभा समिति के सामने भी दुबे के खिलाफ गलत शिकायत करने का दबाव बनाया था। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की फाइनल आंसर की प्रकाशित कर दी गई है। अभ्यर्थियों से आपत्ति मिलने के बाद फाइनल आंसर कुंजी में प्रश्नों के उत्तर संशोधित किए गए हैं। विभिन्न विषयों में संशोधित उत्तरों में से 142 प्रश्नों को रद्द कर दिया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय के 23, कॉमन इंजीनियरिंग के 47, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 4, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के 1, सिविल इंजीनियरिंग के 57, डिप्लोमा आईटीआई इन इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विषय के 7 प्रश्नों को रद्द कर दिया गया है। इस संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक की ओर से फाइनल आंसर कुंजी जारी की गई है। लोहरदगा जिला परिषद अध्यक्ष रीना कुमारी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रक्रिया कर दी गई है। इसको प्रखंड के जिला परिषद सदस्य संदीप कुमार का कहना है कि अध्यक्ष का व्यवहार सदस्यों के प्रति सकारात्मक नहीं था। विकास कार्यों में जिला परिषद अध्यक्ष रुचि नहीं लेने का कार्य करती थी। अब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सारा निर्णय लोहरदगा डीसी डॉक्टर बागमारे प्रसाद कृष्ण को करना है। शनिवार को एचईसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति की आम सभा एचईसी एफएफपी बिल्डिंग के पास संपन्न हुई। हरेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बकाया वेतन भुगतान, ठेका मजदूरों के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, बोनस भुगतान जैसे ज्वलंत मुद्दों पर सभा हुई। इस आम सभा में 16 जनवरी को मोर्चा के अन्य घटक दलों की बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया। वहीं 17 जनवरी को 10 बजे से एचईसी हेडक्वार्टर पर मजदूरों का महाजुटान होगा। इसके साथ मजदूर कैंटीन भी चालू किया जाएगा और आर पार आंदोलन की घोषणा की जाएगी। झारखंड निर्वाचन आयोग ने उच्च न्यायालय द्वारा नगर पालिका चुनाव कराने से संबंधित आदेश के मद्देनजर सभी उपायुक्तों सह जिला चुनाव पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। उपायुक्तों को कहा कि न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव कराया जाना है। आयोग ने उपायुक्तों को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान सामग्रियों की व्यवस्था व अन्य मदों में व्यय भार का आकलन करते हुए नगर विकास विभाग को प्रेषित करने का निर्देश दिया है। झारखंड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल झारखंड में सिपाही के 4,919 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि फिलहाल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। बता दें, इन पदों पर भर्ती के लिए 15 जनवरी 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन अब झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 22 जनवरी 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और इसकी अंतिम तिथि 21 फरवरी 2024 तय की गई है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चाकुलिया प्रखंड के श्याम सुंदरपुर थाना अंतर्गत केरू कोचा हाट में शनिवार को भीषण आग लग गई। सामान्यता केरू कोचा में मंगलवार को साप्ताहिक हाट लगता है, लेकिन मकर संक्रांति के पर्व को लेकर शनिवार को विशेष हाट का आयोजन किया गया था। इसमें भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। हाट में मकर पर्व को लेकर पटाखों की बिक्री हो रही थी। इसी दौरान एक पटाखे की दुकान में अचानक आग लग गई, जो हवा के साथ तेजी से फैलने लगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 12 सीटों पर जीत की दावेदारी पेश की थी। वहीं इस बार झारखंड की कुल 14 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की तैयारी में जुटी है। वहीं दूसरी ओर जेबी के एसएस के युवा नेता जयराम महतो ने भी गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का बिगुल फूंक दिया है। धनबाद लोकसभा सीट पर भी उन्होंने उम्मीदवार उतारने की बात कही है। कवर स्टोरी में आज इस पर विस्तार से करेंगे बात।
झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के अलावा अब एक और पार्टी एक्टिव होती नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युवा सेंसेशन जयराम महतो ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। झारखंड के युवा कब से इस खबर का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए जेबी के एसएस प्रमुख जयराम महतो ने खुशखबरी दी है। जयराम महतो आज करतास में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए जिसमें उन्होंने कहा कि वह गिरडी से हैं, इसलिए वह गिरडी लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे और उन्होंने इस बात की भी घोषणा की कि वह किसी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे, उनकी पार्टी स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी। ईटीवी बिहार झारखंड की रिपोर्ट की माने तो जयराम महतो ने कहा कि हम लोग पिछले 2 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, बिना किसी पद पर रहते हुए मजदूर के आश्रितों को 10 लाख मुआवजा दिलाने का काम किया है। अब तक औसतन करीब 5 से 10 करोड़ मुआवजा लोगों को दिला चुके हैं। हजारों मजदूरों को फैक्ट्रियों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। हम लोग के आंदोलन के बाद मजदूरों को पुनः बहाल किया गया। बिना पद और पावर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों की भलाई करने में सक्षम हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग ने निर्णय लिया कि जनता के लिए हमें सदन में जाने की जरूरत है, जहां से जनता की सर्वोच्च आस्था है और जहां से विधि का निर्माण होता है। सभी को आशा है कि यदि हम सदन में जाते हैं तो उनके लिए कुछ नया विधेयक लेकर आएंगे। सदन में हम जनता की आवाज को बेहतर ढंग से रखने का काम करेंगे, तभी कुछ बेहतर हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम अभी वन मैन आर्मी हैं, हम अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जयराम महतो ने गिरडी लोकसभा से चुनाव में उतरने की बात तो कही और साथ ही उन्होंने धनबाद लोकसभा से भी अपनी उम्मीदवार उतारने की बात की है। जयराम महतो ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए अभी समय है, तैयारी अगर पूरी होती है तो धनबाद सीट पर भी चुनाव लड़ेंगे, दोनों लोकसभा सीटों पर प्रभावी तरीके से चुनाव लड़ेंगे। गिरडी और धनबाद लोकसभा सीट की बात करें तो वर्तमान में गिरडी सीट एनडीए गठबंधन के पास है और आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी गिरडी से सांसद है और धनबाद में पिछले 3 टर्म से भाजपा के पीएन सिंह सांसद हैं। अब आने वाले चुनाव में ही पता चल पाएगा कि क्या गिरडी और धनबाद की सीट एनडीए के पास ही रहेगी या इन सीटों पर जनता जेबी के एसएस को मौका देगी। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।